नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हमारे पूजा रीवा जिला केर मध्यपुर निवासी एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो गोविंद प्रसाद कोल केर जबलपुर आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के समय निधन होगा। जिनकर पार्थिव देह का शुक्रवार आधी रात गृहग्राम मध्यपुर पहुंचावा गया रहा, जहां शनिचर का राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव देह के अंतिम संस्कार किएगा। जवान के अंतिम दर्शन खातिर भीड़ उमड़ गए। अपने क्षेत्र के लाल केर अचानक बीमारी के चलते निधन हुए से क्षेत्र में शोक के लहर दौड़ गए। देखी शव यात्रा और अंतिम संस्कार के कुछ झांके। भारत माता की भारत माता की भारत माता की गोविंद भैया अमर रहे, कमांडो गोविंद भैया अमर। आजकल सोशल मीडिया में ही वीडियो वायरल होतला है, जौने में ही बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिया शरण साकेत मारपीट कर रहा है। अपना का बताई कि बीजेपी के नेता जो ने महिला के साथ मारपीट कर रहा है, वो केवल और नहीं बल्कि उनके छोटे भाई के पत्नी बताई जाती, जिनकर साथ नेता के पारिवारिक विवाद चलत रहा और जिन पर गोटवा से हमला किया जा रहा है। मारपीट में ही दोनों पक्षन के लोग वीडियो घलाए बनावतला है। दोनों कई से गोटवाबाजी हो रही है। घटना में बीजेपी नेता के भयाहू का चोट आई है। उन्हें के शिकायत में पुलिस मेडिकल करवाई नहीं और FIR दर्ज करवाई नहीं। अपना का बताए दे कि बीजेपी नेता सिरमौर थाना के उमरी के रहे वाले हैं, जिनके द्वारा भयाहू के साथ मारपीट की जा रही है। अपनों देखी मारपीट के वजह। अगली खबर के बात करी, जौने माही राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन करी। जौने माँ श्री पटेल भारतीय जनता पार्टी पर जम के बरसे। बिरसा मुंडा के जयंती से लेके कंगना रणावत के आजादी वाले बयानों का आड़े हाथ लिहिन। श्री पटेल या कहिन के हमार चरित्र नीति और इरादा का हुई ये निर्भर करत है। केहू के जयंती मनाए से हम उनकर अनुयायी नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियन के सरकार आए, जे गरीब किसान और शोषित का लूट रही है। अगर प्रजातंत्र संविधान का बचावे का है, तो भारतीय जनता पार्टी का देश से हटावे हुई। सुनी राजमणि पटेल का कुछ कहीं और कौने तरह से भारतीय जनता पार्टी का आड़े हाथ लिहिन। कहीं न कहीं आपने पूंजीपतियों को आश्रय दिया है, जिस वजह से किसान का जो हिस्सा है खासकर किसान के पास नहीं पहुँच पा रहा है और वो ब्लैक में खाद लेने के लिए विवश हो रहा है। तो दोनों तरफ है, लेकिन किसान के लिए नहीं है, व्यापारियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, जहाँ किसान का शोषण हो रहा है। तो ये किसान विरोधी सरकार है और गरीब विरोधी सरकार है, वनवासी विरोधी सरकार है। और अगर प्रजातंत्र को संविधान को बचाना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारत से हटाना होगा। रीवा माँ आए दिन सड़क हादसा देखने का मिलत रहा था। जौने माही लगाम लगावे खातिर अब रीमा माँ गाड़ी लेके फर्राटा भरे वाले लोगन के अब खैर नहीं आए। आए दिन सड़क दुर्घटना में तेजी आवल्ला ही, जौने खातिर वाहन चलकन पर अब इंटरसेप्टर वाहन नजर रखी। अपना का बताए दे कि अब वाहन दूर से गति का पकड़ लेते है और गाड़ी में फर्राटा भरे के लाने अपना का जुर्मानो भरे पड़ सकत है। यही खातिर अगर अपना तेज गाड़ी चलावे के शौकीन है तब सतर्क रह, काहे से कि यह इंटरसेप्टर वाहन पूरी तरह से अपना के गाड़ी में नजर रखी। ट्रैफिक सुबेदार दिलीप तिवारी बताएं कि सड़क पर चले वाले ओवर स्पीड वाहनन के इंटरसेप्टर वाहन फोटो और वीडियो उपलब्ध कराए देते हैं, जैसे अपना का आगे जाए के रोक लीन जात है और जुर्माना भरे का पड़ सकत है। यही से सभी जने वाहन का धीमा चलाई, जौने से अपना और अपना के परिवार सुरक्षित रहे। ये नोवा 87।
ये जो भी वाहन नेशनल हाईवे पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो ये इंटरसेप्टर वाहन व्हीकल है। ये ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों को अपने आप जो है इंटरसेप्ट कर लेता है, अवरोध कर लेता है, रोक देता है, और इसमें वीडियो फोटो खिंच जाती हैं। और जिस किसी वाहन की जो 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होता है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लेटर है उसके मुताबिक 80 किलोमीटर पर आवर से आप स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो जो गाड़ियां इसमें ट्रेस हो जाती हैं, इंटरसेप्ट हो जाती हैं, उन गाड़ियों पे हम अगले पॉइंट पे हमने चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ है वहाँ पे हम पकड़ लेते हैं, इससे वीडियो फुटेज लेकर के उधर हम दे देते हैं और फिर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। ये वाहन जो है PHQ द्वारा प्रोवाइड किया गया है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है, हम लोगों को निर्देशित किया जाता है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है, जिसके तहत ये कार्रवाई हम करते हैं। और डेली जो है हम 20 से 25 वाहनों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।